SRH के IPL 2024 फाइनल में पहुंचने से पहले ही जश्न मनाने लगी थी काव्या मरान। दौड़कर इस शख्स को लगाया गले। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफाइड दो मैच में 36 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हैदराबाद की इस जीत से मालकिन काव्या मरान बेहद खुश नजर आई। इस मैच के खत्म होने से पहले ही काव्या मरान जीत के जश्न में डूब गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने IPL 2024 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पिछले सीजन हैदराबाद की टीम ने टेबल में आखिरी नंबर पर फिनिश किया था, लेकिन इस सीजन में हैदराबाद की टीम शानदार कमबैक करते हुए फाइनल में पहुंच गई। दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 36 रनों से जीत हासिल की। इस जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मरान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह दौड़ लगाकर अपने पिता कला निधि मरान को गले लगाते हुए नजर आ रही हैं। SRH ने कटाया IPL 2024 फाइनल का टिकट तो खुशी से झूम उठी काव्या मरान। दरअसल क्वालिफाइड दो मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 175 रन का स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम 139 रन ही बना सकी। राजस्थान की टीम को आखिरी ओवर में 42 रन की दरकिनार थी। आखिरी ओवर में हैदराबाद की साफ तौर पर जीत देखते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 19वें ओवर के खत्म होते ही हैदराबाद की मालकिन काव्या मरान खुशी से उछल गई और मैच खत्म होने से पहले ही तालियां बजाते हुए नजर आईं। काव्या इस दौरान दौड़ लगाकर अपने पिता के पास गई और उन्हें गले लगाकर बधाई दी। काव्या का ये जश्न वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद का अब फाइनल में KKR से होगा सामना। IPL में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तीसरी बार फाइनल में पहुंची है। सबसे पहले डेविड वार्नर की कप्तानी में 2016 में हैदराबाद की टीम फाइनल में पहुंची थी और इस सीजन उन्होंने RCB को फाइनल में हराकर खिताब भी जीता था। इसके बाद 2018 में केन विलियमसन की कप्तानी में हैदराबाद की टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन CSK ने उसे हरा दिया था। वहीं अब IPL के 17वें सीजन में पैट कमिंस की कप्तानी में हैदराबाद की टीम फाइनल में पहुंची है, जहां उसका सामना KKR से होना है।